अंदर कोई जिगरा हो करने का, तो वो टेबल कुर्सी कोई सी भी हो ना उससे सड़क कर लेता है। सो ऑलराइट गाइस, दिस इज नवा डवाल बैक टू द अनदर ब्लॉग। सो आज हम दिखाएंगे अपना रूम सेटअप और यहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ पे जो मेरा पीजी रूम है उसका वो दिखाएंगे कैसा लगता है। तो बहुत से लोग पूछ रहे थे कि आपने रूम लिया है या हॉस्टल लिया है, तो आज हम आपको बताते हैं कि हमारा पीजी रूम कैसा है। ठीक है, तो ये हमारा है पीजी रूम। यहाँ पे जो ऑनर हैं वो हैं CA चार्टेड अकाउंटेंट। यहाँ से अपन गए ये हमारा मेन डोर, ये हमारा है कुछ इस तरह रूम। अभी सफाई सी लग रहा होगा क्योंकि हमने लास्ट नाइट को ही मैंने सफाई करी है। और ऐसा है हमारा कुछ सेटअप। यहीं पे वीडियोस बनती हैं, बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि आपका इतना बड़ा सेटअप है। नहीं, बस एक बोलेंगे रूम का एक छोटा सा होना है जहाँ पे मैं काम करता हूँ। और लास्ट नाइट भी थोड़ी सफाई करके रखी है, तो ये पलंग नहीं था एक, ये ऐड करा है। और इससे पहले ये जो टेबल है ये यहाँ थी और ये भी यहाँ पर रखी है क्योंकि थोड़ा सा ये हिल रहा था। और बहुत थोड़ा बोलेंगे कि इस टेबल के ऊपर इस टेबल लगाइए, नीचे से नट कस दिए और काम करने के लिए, लेकिन अब यहाँ पर कर दिया है। और ये मेरी एक्स रूममेट की चेयर है जो अभी यहाँ पर है नहीं। और ये चेयर अगर आपको याद हो तो जो लोग मेरे साथ बहुत पहले से YouTube वीडियो या शॉर्ट्स वीडियो या रील्स देखते होंगे तो उनको पता होगा कि मैं इस पर काम करता था। तो ये थोड़ी सी टूट गई है तो इसको सही भी करवाना है अभी। ठीक है, और कुछ इस तरह सा हमारा रूम है। और ये मेरा सेटअप है प्यारा सा, ये मेरा है मुझे क्या करना है, तो मेरा ये जो होल है इसके ऊपर मैं काम करता हूँ, तो इसलिए मैं रात भर जग लेता हूँ, काम कर लेता हूँ और बस। और एक नया आर्टवर्क है अभी स्टार्ट हुआ है, तो अभी इसे दिखाऊंगा तो नहीं, बट बाद में इसकी वीडियोस अभी रील्स आर्ट भी आने वाली है। आई होप कि ये अगर रात तक कंप्लीट हो जाए, आज रात तक या कल सुबह तक, तो उसकी वीडियो रील्स आपके ऊपर मिल जाएगी। तब तक के लिए उसके लिए क्या करना होगा गाइस, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और अपना जितना हो सके सपोर्ट प्यार करना। तो अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई सी चीज़ स्टार्ट करना चाहते हो लाइक यूट्यूब पे वीडियो बनाना, मैं ऐसा नहीं बोलता कि किसी को सेटअप की ज़रूरत है या किसी को कुछ ही मतलब कि कुछ चीज़ चाहिए ही चाहिए। तो आपको ये सब चीज़ें जो दिख रही हैं ना, ये सब चीज़ें मैं खुद अपने अर्निंग से लाइक जो भी मैं पेंटिंग सेल करता हूँ, जो भी मेरे को कमीशन वर्क आता है, तो मैं इससे अर्न करके ये आईना, ये लाइट, ये जो लाइट लगी है यहाँ पे नीचे वो, और ये बोलेंगे कि ये जो स्टैंड्स हैं, ये फ़ोन का स्टैंड है, ये जो हम लोग कैनवास पे काम करते हैं उसके लिए स्टैंड है, और मतलब स्पीकर भी सोचो ना, तो ये अर्निंग से ही लाया हूँ। मतलब कभी मम्मी पापा जो पैसे रहते हैं उनसे भी थोड़ी बहुत सेविंग करके सामान लेके आया हूँ, लेकिन हाँ बाकी का जो भी सामान है ना, मतलब कि जो मैंने अर्निंग करी है इस सब से ही लाया हूँ। तो मैं ये नहीं बोलता कि किसी को कुछ स्टार्ट करना है तो वो ऐसा सेटअप बना के स्टार्ट कर ले। मैं तो यही बोलूँगा कि अगर कोई काम सा करना है ना, उसके अंदर कोई जिगरा हो करने का, तो वो टेबल कुर्सी कोई सी भी हो ना उससे सड़क कर लेता है। और ये पेंटिंग्स भी बस मेरी जो 2019 से 2018 से 2017 से काम कर रहा हूँ ना, ये
तब की ही है, और बस मैंने उसको लगा के रख दिया है ताकि काम अच्छा लगे, वीडियो लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। अगर ये काम में अगर बताऊँ तो ये मेरी जब मैं 12th में था तब का है, और 2021 का अगर बता दूँ तो लॉकडाउन लगा था तब का है, मतलब 2021 का ही काम दिखेगा। हाँ 2020 का भी दिखेगा भाई, 2020 का भी काम है। और ऐसे ही मतलब कि कुछ कॉलेज का काम भी होंगे इधर। हाँ ये सब कॉलेज का काम है, ये तो ऐसा नहीं है कि ये काम अभी ही किया है, करता आ रहा था, बस थोड़ा बहुत स्किल्स इम्प्रूवमेंट नहीं की तो उस पर ध्यान दिया, और आई होप कि ऐसे ही काम करते रहूं और स्किल्स पे काम होता रहे और आपका प्यार सपोर्ट रहेगा। तो इस सेटअप से एक अच्छे सेटअप पे भी जाएंगे, तो उसके लिए क्या करना होगा, बस लाइक कमेंट शेयर अपना प्यार करते रहो, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।